टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकार्पियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकार्पियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो
4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन डिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी ये मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन डिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी ये मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन डिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी ये मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी
$380 million, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था $90 million, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी $380 million, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। Once Upon a Time in Hollywood एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और
बहुत सारे एकोलेट्स में मिले थे, और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड उन्होंने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी, और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एकोलेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड उन्होंने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी, और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। Once Upon a Time in Hollywood एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एकोलेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड उन्होंने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी, और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो।
वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेती फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी है मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेती फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेती फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी।
तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 में, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन टिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन टिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन टिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका,
और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन डिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन डिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में,
और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की। और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की। और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो।
Once Upon a Time in Hollywood एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है,
यानी कि ढाई घंटे के पास यह मूवी है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd एकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि ढाई घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd एकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि ढाई घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका,
और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में,
और बहुत सारे एकोलेट्स में मिले थे, और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैन डिड उन्होंने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd एकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एकोलेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैन डिड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd एकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एकोलेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैन डिड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी ये मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है
मूवी इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकार्पियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नॉवल भी लिखी थी डैन डिडो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नॉवल भी लिखी थी डैन डिडो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नॉवल भी लिखी थी डैन डिडो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो
160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि ढाई घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। Once Upon a Time in Hollywood एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि ढाई घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी।
वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और
मस्ट वॉच मूवी है ये, जिसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. Once upon a time in Hollywood, एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो. इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने. ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच. और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में. ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी. ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी. तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे. और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को. बहुत ही अच्छी ये मूवी है. इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है. और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है. इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर. मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी. और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. Once upon a time in Hollywood, एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो. इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने. ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच. और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में. ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी. ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी. तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे. और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को. बहुत ही अच्छी ये मूवी है. इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है. और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है. इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर. मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी. और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो. इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने. ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच. और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में. ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रोबी.
ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 में थी, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है,
जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेड्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारंटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये
वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी ये मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। आई लिव नाइट वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। आई लिव नाउ टू डिकार्ड वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेटी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांचिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैलेंटेड ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी ये मूवी है, इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये,
उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो. इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्नर फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विजनिया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने. ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच. और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में. ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी. ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी. तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे. और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को. बहुत ही अच्छी है. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो. इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्नर फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विजनिया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने. ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच. और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में. ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी. ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी. तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे. और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को. बहुत ही अच्छी मूवी है. इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है. और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है. इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर. मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी. और मस्ट वॉच मूवी है ये. इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो. इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्नर फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विजनिया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने. ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच. और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में. ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी. ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी. तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे. और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है
29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की। और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। Once Upon a Time in Hollywood एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की। और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है,
जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेदी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है, और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेदी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टारांटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है, और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये, इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेदी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच, और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ
ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स भी मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैन टिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन टिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है, उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी डैरन टिडनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब बहुत ही अच्छी कमाई इस मूवी ने की थी। और मस्ट वॉच मूवी है ये। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक 2019 में बनी हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वेंटिन टारांटिनो। इसको प्रोड्यूस किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, वर्ना फिल्म ग्रुप, हेडी फिल्म्स एंड विश्निया रोमांटिका, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोनी पिक्चर्स ने। ये को प्रोडक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच। और
इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2017 में। ये जो है मूवी, इसके जो स्टार्स हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गरेट रॉबी। ये जो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी है वो ल्यूक पेरी को डेडिकेटेड है उसकी याद में, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 4 मार्च 2019 में हो गई थी। तो ये जो है उनकी फाइनल मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ये वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स है 2019 की, और इसको 10 अवार्ड्स मिले थे 92nd अकेडमी अवार्ड्स में, और बहुत सारे एक्लेट्स में मिले थे। और इसकी एक नोवेल भी लिखी थी टैरेंटिनो ने, और वो पब्लिश हुई है 29 जून 2021 को। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो रन टाइम है वो 160 मिनट्स के अराउंड है, यानी कि 2.5 घंटे के पास ये मूवी है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। इस मूवी का जो बजट था वो था 90 मिलियन डॉलर, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी 380 मिलियन डॉलर। मतलब